मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 228 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। बची हुई दो सीटें विदिशा और गुना पर प्रत्याशी कौन होंगे इसके लिए मंथन जारी है। पार्टी लीडरशिप का दावा है कि जल्द ही ये नाम तय कर दिए जाएंगे। सबसे खास सीट विदिशा है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी 2013 के चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं। विदिशा बीजेपी का अभेद गढ़ कहलाता है, लेकिन 2018 में 46 साल बाद कांग्रेस के शशांक भार्गव ने बीजेपी के इस मजबूत किले पर इसका परचम फहरा दिया था। आज ये स्थिति है कि 228 प्रत्याशी घोषित कर चुकी बीजेपी यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है। विदिशा में कहाँ फंसा है पेच? रिपोर्ट्स की माने तो पेंच राज्य सरकार और पार्टी में फंस गया है। शिवराज सिंह यहां से अपने खासम खास मुकेश टंडन को टिकट देना चाहते हैं, जो 2018 में यहां से चुनाव हारे थे। वहीं पार्टी श्याम सुंदर शर्मा को टिकट देना चाहती है। बताया जा रहा है कि श्याम सुंदर शर्मा को संगठन की झंडी तक मिल चुकी है, लेकिन पेंच भोपाल में सरकार की तरफ से फंसा हुआ है। चूंकि विदिशा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गृह क्षेत्र कहलाता है, इसलिए लोग ये मानकर चल रहे हैं कि चलेगी शिवराज सिंह की ही, और इसलिए विदिशा अब नाक का सवाल बन गया है। शिवराज यहां से 5 बार सांसद और 1 बार विधायक चुने गए हैं। गुना में सिंधिया है वजह। उधर गुना विधानसभा सीट पर बीजेपी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। गुना विधानसभा संघ की मजबूत और पारंपरिक सीट मानी जाती है, यहां संघ बीजेपी के बीच सीट फंसी हुई है। गुना विधानसभा में सिंधिया समर्थक और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पिछली बार यहां से गोपीलाल जाटव विधायक थे, मगर अब पार्टी इनको बदल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने का समय है, ऐसे में दशहरा बाद इन दोनों सीटों पर नाम का ऐलान हो जाएगा।